हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, आज है 8 जुलाई 2023। तो हम जा रहे हैं जयपुर से स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो हम जाएंगे अजमेर उदयपुर होते हुए अहमदाबाद वडोदरा, जो कि यहां से यूनिटी तो 850 किलोमीटर है, लेकिन हम आज वडोदरा ही पहुंच पाएंगे। आज लेंगे वडोदरा में स्टे, फिर सेकेंड डे जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी अपनी बेलेनो, जिसको हमने करवा लिया है फुल टैंक। 31 लीटर आया है, 31.5, 3400 रुपये का। यहाँ पे बहुत ही महंगा पेट्रोल है, 109 रुपये लीटर हदी है। जयपुर राजस्थान में, यूपी में, दिल्ली में सस्ता है 98। चलिए आपसे लूँगा मैं आगे चल के, जब हाईवे पे आ जाते हैं तो आपको मैं दिखाऊँगा, एक एक चीज़ नोट कराऊँगा, क्योंकि जयपुर से वडोदरा की कोई भी यूट्यूब पर वीडियो नहीं है जहाँ पर आपको मालूम पड़े कितना वो है, टोल है, हाईवे की क्या कंडीशन है। तो मैं आपको हर चीज़ शेयर करूँगा। देखते रहिए इस व्लॉग को और सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बैलेनो में फुल टैंक है और 588 की रेंज दिखा रही है। यहाँ आ गए अजमेर हाईवे पे और यहाँ पे ऐसी कंडीशन ऐसी हो चुकी है रोड की, क्योंकि यहाँ पे फ्लाईओवर का चल रहा है काम, बीच बीच में गाँवों की रोड क्रॉसिंग थी, तो इस वजह से अब बाद में याद आता है गवर्नमेंट को कि अब फ्लाईओवर बना रहे हैं इतने साल के बाद। बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं, देखिए पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इस हाईवे पे, बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी खुला नहीं है, तो दिल्ली से लेके मुंबई तक जो हाईवे जाता है यही हाईवे जाता है, अजमेर होता है, अजमेर उदयपुर अहमदाबाद वडोदरा सूरत। अभी फर्स्ट टोल आने वाला है, बस वाले बहुत ही तेज़ चलाते हैं, हमारी 80 चल रही है गाड़ी और इतनी आ गए है बस। बताता हूँ आपको कितने का टोल है, बहुत ही महंगे टोल लगते हैं, क्योंकि गाड़ी जब लेते हैं शोरूम से पहले भी गवर्नमेंट ले लेती है रोड टैक्स भी और देते तो जिंदगी भर टोल टैक्स भी, 2 रुपये का 1 किलोमीटर रहता है टोल टैक्स। वैसे नॉर्मली एक्सीडेंट हुआ हुआ है, I-10 नहीं है उसका। ये टोल कितने का है, 80 रुपीज का टोल है, ये फर्स्ट टोल 80 रुपये का। तो गाइस, यहाँ पे हम बहुत बुरा फंस चुके हैं जाम में, 8-10 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है अजमेर हाईवे पे, लोग बता रहे हैं। बताओ ये कोई बात हुई, इंसान कोई भी कुछ तबीयत खराब हो जाए, कोई इमरजेंसी हो तो यूँ ही खड़ा रहेगा, पुलिस प्रशासन का कोई रोल ही नहीं है। आगे बता रहे हैं फ्लाईओवर जो बन रहे हैं उसके साइड में काम, जो सड़क है सर्विस लाइन, उस पर कोई ख़राब हो गया एक ट्रक, तो इसी वजह जाम है। यहाँ पे हम खड़े हो गए हैं 5-10 मिनट से और मालूम नहीं खुलेगा कब ये जाम। 45 किलोमीटर ही आए थे अभी तो अजमेर हाईवे पे, यहाँ पे इतना बुरा जाम लगा हुआ है, बहुत लंबा, बैग भी नहीं जा सकते। अब बताओ कहाँ को जाम। गाइस देखो, हम यहाँ साइड रहते तो ये हालत है इस जाम की, किलोमीटरों का जाम है, 8-10 किलोमीटर का। हमारे तो अच्छा हुआ बीच में था, हमें इस सड़क दूसरी साइड आने का वो दिख गया, हमें मोड़ के लिए आए हम, बहुत बड़ा जाम है, रॉन्ग साइड ही है जो हम हो जाएंगे यहाँ से पार, वरना होना बहुत मुश्किल है निकलना आगे। बस फ्लाईओवर का ना काम चल रहा हो, कभी सिंगल रोड हो आने की भी वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे वाली साइड भी तो फ्लाईओवर के काम की वजह से कह रहे हैं कि हो गया है, लग गया जाम। यही गाड़ी आ रही है एक हमारी, और कोई नहीं आ रहा हमारे पीछे, और कोई नहीं है, लेकिन रॉन्ग साइड चलाना भी थोड़ा सेफ नहीं है वैसे, और कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत लंबा जाम है दोनों साइड लगा हुआ है, थोड़ी देर पहले यारी साइड पे जाम था, आगे आए तो यहाँ जाम मिला हमें। इस हाईवे पे तो बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत ही भीड़ रहने लगी। तो गाइस, एक टोल और आ गया है, सेकेंड टोल अजमेर हाईवे का, और इस हाईवे की बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। आप लोग आइएगा ही मत इस हाईवे से कभी, फ्लाईओवर का काम चल रहा है और वैसे ही बहुत ज़्यादा रहता है ट्रैफिक। ये देखिए कैसे एकदम से लिया है मोड़ दिए, छोटे हाथी को इसमें, कितने का टोल है ये भी देखते हैं।
100 किलोमीटर आ गए हैं, अभी तक 7:40 हो गए, बहुत देर हो गई हम ट्रैफिक की वजह से। 50 का टोल है सेकंड स्टारबक्स और ये बर्गर की था नहीं, ये पहले नहीं था ये वाला रेस्टोरेंट स्टॉप है, यहाँ पे ये बन गया, आप रुक के खा भी सकते हैं बर्गर की स्टारबक्स। एक ट्रक के ऊपर दूसरा ट्रक जला हुआ ट्रक है, आग लगी हुई, ये यहाँ से आ जाएगा मोड़, यही है ना कटरा किशनगढ़ अजमेर के लिए सीधे जा सकते हैं, अहमदाबाद भी सीधे बता रहा है वैसे, लेकिन हम इस हाईवे से जाएंगे, भीलवाड़ा बाइक का खड़ा है कहीं ज़्यादा हो, जी जे नंबर की बाइक है। कितना बेहतरीन मौसम हो रहा है ये देखिए आप, बहुत नीचे आ गए हैं बादल, बिल्कुल पहाड़ों पे सारे आप देखिए कितने वो दिख रहे हैं बादल, बादलों की वजह से दिखाई नहीं दे रहे पहाड़, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत रूट है ये। बहुत ही हसीन मौसम, बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 26-26 टेम्परेचर है बाहर का, पहाड़ियाँ देखिए राजस्थान की ग्रीन ग्रीन, हुआ बहुत ही मज़ा आ रहा है सफ़र करने में। उदयपुर यहाँ से 330 किलोमीटर रह गया है, हम 120 किलोमीटर आ गए अभी तक, ये देखिए आप रोड हाईवे भीलवाड़ा चित्तौड़ वाला हाईवे। तो गाइस अभी तक हम आ गए हैं 150 किलोमीटर, बहुत देर लग गई, 3 घंटे में आए, 3 घंटे लग गए हमें 150 किलोमीटर के। मौसम बहुत फर्स्ट क्लास हो रहा है, अभी धूप निकली है हल्की और यहाँ पे हमने होटल पे लिया विवेक, ये रहा होटल, ये खड़ी हमारी गाड़ी, अब यहाँ पे कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे फिर आगे चलेंगे। और ये ट्रेन कितनी शानदार है, ये देखिए गाइस कितने शानदार व्यू है, और यहाँ पे जा रही साइड में एक ट्रेन, और ये आ गया इस जर्नी का थर्ड टोल, ये है 140 रुपये का, भीलवाड़ा वाले हाईवे चल रहे हैं चित्तौड़ और भीलवाड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त हाईवे। यहाँ पे तो हमने पी थी चाहे आते टाइम है ना, ये इधर टोल ये इससे भी आगे वाला, इससे आगे वाला था ये तो, ये नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू, बहुत ज़बरदस्त हाईवे, मौसम भी अच्छा, वहाँ जाना पड़ेगा, बंद है फोर्थ टोल आ गया इस जर्नी का चौथा, बस भीलवाड़ा आने वाला है यहाँ पे, 30-35 किलोमीटर रह गया है। ये वाला टोल है 95 रुपीस का, और यहाँ पे हम पहले आ रहे थे एक साल पहले उदयपुर से इस टोल की तरफ से, तो यहाँ पे पी थी हमने चाय, वो तो दिख ही नहीं, खत्म हो गई थड़ी उड़ गई, थड़ी उड़ गई, अच्छा बना रखा है टोल भी। तो गाइस हम घूम जाएंगे यहाँ से राजसमंद नाथ द्वारा के लिए, सीधे नहीं जा रहे चित्तौड़ होते, ये तो पहले था ना उधर दौड़, नाथ द्वारा वाली रोड ही आ गई राजसमंद वाली, 100 किलोमीटर है यहाँ से नाथ द्वारा, ये वाली पे 100 रुपये टोल टैक्स भी लगता है, कम लगता है इस वाली रोड। फिफ्थ टोल आ चुका है नाथ द्वारा वाली रोड पे, यहाँ का इस रोड का फर्स्ट टोल 865 रुपीस, सस्ते ही है टोल, महंगे नहीं है ज़्यादा, और ये वाली रोड पे बिल्कुल भीड़ भी नहीं है, बहुत खाली रोड है, बिल्कुल खाली सोनी, बहुत ही शानदार सड़क है, बिल्कुल खाली, एक भी गाड़ी नहीं है हमारी गाड़ी के अलावा, बिल्कुल खाली रोड है, आपको इसी रोड से आना चाहिए नाथ द्वारा होते हुए राजसमंद पहुंच जाएंगे यहाँ से, इस रोड से भीलवाड़ा से मुड़ती है रोड कटते कटियाँ का, एक ही टोल आया है इस रोड पे,
गाय वाय बहुत हैं इस पे, गाय बकरी और लोग भी, वैसे बाइक वाइक पे बहुत हैं लोग बाग आसपास के गांव वाले। 6 टोल आ गया है 70 का, 70 रुपये का टोल है। दूसरा टोल इस बार ही रोड का है, भीलवाड़ा तो नाथ द्वारा था। तो गाइस हम पहुंच गए हैं नाथ द्वारा और आपको सामने दिख रही होगी शिव की मूर्ति, बहुत दूर से ही दिखनी स्टार्ट हो जाती है मूर्ति। यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है जो मुकेश अंबानी की फैमिली ने लिया हुआ है गोद उसको, यहाँ पे उनकी फैमिली आती जाती रहती है। नाथ द्वारा इस वजह से बहुत फेमस है मंदिर की वजह से, और यहाँ पे बहुत अच्छे होटल्स भी हैं इस रोड पे ही। नाथ द्वारा से उदयपुर गया जाता है 30-40 किलोमीटर, और हमारा भी रह गया है वडोदरा 400 किलोमीटर रह गया यहाँ से 400। शाम का आ रहा है एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल 6:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, और हम 350 किलोमीटर आ गए हैं अभी तक जयपुर से। ये देखिए शिव की मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, और यहाँ के व्यूज देखिए, बहुत अच्छा मौसम है। भाई अब आ गया 8वां टोल, 155 रुपीज़ का टोल है ये। उदयपुर यहाँ से रह गया है 20 किलोमीटर, उदयपुर के सिटी में से वो होके जाना पड़ेगा बाईपास जो है उदयपुर का, वो तो सही कंडीशन में नहीं है, वो वहाँ की भीड़ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और यहाँ के व्यूज देखिए कितने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, पहाड़ हरियाली ग्रीन हुई। गाइस हम आ गए हैं उदयपुर से आगे थोड़ा मेन रोड पे, बाहर उदयपुर से निकल गए, वहाँ की तो मैंने कुछ बनाई नहीं वीडियो। यहाँ पे अभी बज गए 1:15, हम आ गए कम से कम 450 किलोमीटर, और यहाँ के व्यूज़ देखिए पहाड़ियों के बीच में। ये रेस्टोरेंट में खाना पीना खाएंगे हम, ये होटल है देखिए, इस होटल में खाना खाएंगे। ये अपनी खड़ी बैलिनो सन गई है पूरी, बारिश है बहुत, जाम मिल रहा है 250 किलोमीटर अहमदाबाद है, 350 वडोदरा है, और 450 वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये रेस्टोरेंट है, ये अपनी गाड़ी देखो, बहुत सारे होटल। जा रहे हैं हम अहमदाबाद गुजरात की तरफ, आगे जा रहे हैं उदयपुर से, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त हाईवे, ऐसे व्यूज़ हैं यहाँ। हाँ मैं तो बीच में चला, ये व्यूज़ देखिए, बहुत ही हसीनो तरीन रोड है ऊपर नीचे बिल्कुल, बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के, मज़ा ही आ गया। इस साइड में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, गुजरात की तरफ जा रहे हैं, अहमदाबाद आएगा, बड़ौदा आएगा, बॉम्बे तक यही रोड जाती है आगे तक। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करके गाड़ी को, बहुत ही अच्छी रोड्स हैं, वेल मेंटेन, ग्रीनरी हो रही है, मॉनसून का सीजन है। ऐसे हाईवे हों तो टोल टैक्स देने में भी इंसान को प्रॉब्लम नहीं होती है, इतने खूबसूरत और इतने मेंटेन हाईवे हों। 175 का टोल है यहाँ का, महंगा है लेकिन कोई बात नहीं, हाईवे भी तो इतने अच्छे हैं और खूबसूरत व्यूज़ अहमदाबाद के। अहमदाबाद रह गया यहाँ से 170 किलोमीटर, और अभी हो गया टाइम 3 बज गए, हमें हो गए 8-9 घंटे निकले हुए जयपुर से। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही है रास्ते में। 9वां टोल है, 9 हो गए, शाम तक हम पहुंचेंगे वडोदरा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत बहुत ज़बरदस्त बारिश, अहमदाबाद आने वाला है, 60-70 किलोमीटर रह गया है, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ बारिश है। आपको फ़ोन के कैमरे में नहीं साफ दिखा हुआ लेकिन है बहुत तेज़, दिखाई नहीं दे रहा, और गाड़ी की रेंज इतनी रह गई है 67 किलोमीटर, अच्छा एवरेज दे रही है गाड़ी। अभी पहुंचने वाले अहमदाबाद,
दिखाते हैं फिर आपको, और ढूंढ रहे हैं अभी होटल, ढूंढ रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। गुजरात का फर्स्ट शहर आ गया है ये हिम्मतनगर, और सब कुछ यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है गुजराती लैंग्वेज में। साइड में शॉपिंग सेंटर है। सड़क थोड़ी यहाँ ख़राब आ गई है, पहली बार गुजरात में एंटर होने के बाद फर्स्ट टाइम रोड ख़राब। ये देखिए हिम्मतनगर, ऐसा बादल देखो, बादल कह रहे काले हो रहे हैं। मेन रोड पे ही शहर है बिल्कुल बसा हुआ। अंदर लाइट जल गई, लाइट भी ऑन हो गई, पेट्रोल की कितने किलोमीटर चली, फुल टैंक में चली 630 किलोमीटर, 31 लीटर। शाम के हो गए 4:40। अच्छा शहर है। तो गाइस हमने यहाँ पे लिया है ब्रेक अहमदाबाद, यहाँ से 60-70 किलोमीटर रह गया है। यहाँ पे बहुत सारे ये बने हुए हैं कैफ़े रेस्टोरेंट, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, मज़ा आ गया। आपको है ना ड्राइविंग का शौक है तो आप यहाँ आइए गुजरात के हाईवे पर। ऐसे हाईवे मैंने भी बहुत हर स्टेट घूम लिया है, लेकिन ऐसे हाईवे नहीं देखे आज तक मैंने। इतने खूबसूरत रोड, इतने ज़बरदस्त व्यू, मज़ा ही आ गया, क्या कहने। गुजरात गुजरात है, मान गए। और इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, ये अपनी कार है बलिनो, कार से पानी फैला है। और ये हाईवे, और इस यहाँ पे हम खाएंगे। गुजरात की फेवरेट फेमस डिश खा रहे हैं, फापड़े, हरी मिर्च पकौड़ियाँ, इनको यहाँ भी पता नहीं गट्टे बोलते हैं क्या बोलते हैं, और टेस्टी है। ये आगे चाय, हाँ चलाओ। गुजरात में फुल टैंक करवा रहे हैं दूसरी बार अहमदाबाद से 60 किलोमीटर पहले। एक फुल टैंक में चली है 650, 650 किलोमीटर। 97 रेट है राजस्थान से, जो सस्ता ही है वहाँ 109 है राजस्थान में, 197 है। एक टोल और आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई वो लिखी भी नहीं है रेट कितने का है। मैसेज आने के बाद आपको बताऊंगा कितने का टोल। अहमदाबाद आ गए हैं हम, 6:30 बजे पहुँचे हैं, 13.5 घंटे लग गए। ये अहमदाबाद की एंट्री हुई है अभी। काकड़िया लेक जा रहे हैं यहाँ से, है 12 किलोमीटर। अच्छा अहमदाबाद दिखने में तो फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा लग रहा है, लेकिन लोग यहाँ पे ट्रैफिक का कोई वो नहीं करते पालन, बिना हेलमेट बाइक चला रहे हैं। ऐसे ही ट्रैफिक रूल ढीले ढाले ही। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में घूमेंगे, फिर जाएंगे बड़ौदा रात को। तो गाइस हम होते हुए अहमदाबाद के इतने भीड़ में से, भीड़ भाड़ में से काकड़िया लेक पहुंच चुके हैं। यहाँ की ये एक फेमस जगह है ज़्यादा, लेक देखते हैं है कैसी है। ये वाले एरिया तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये दिखाता हूँ आपको, वो कितनी अच्छी लेक है भाई, मज़ा आ गया। मौसम भी अच्छा हो रहा है, ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं, हाँ बारिश का मौसम है। गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप ज़रूर लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दो। बोर्ड भी चल रही है इसमें तो भाई साहब, फतेह सागर से भी बढ़िया जगह आई है। तो देखिए कितना अच्छा आया, ट्रेन भी चलती है, बोर्ड भी चल गया, क्या लेके आया मस्त। ये देखो बढ़िया है, अच्छी जगह कहाँ कड़िया। खाने पीने क्या है यहाँ, बोट बढ़िया चल रही है बोट।
बोटिंग भी होती है यहाँ पे। 130 रुपये की है स्पीड बोट और 250 रुपये की जेट इसका ये जेट वाली पर पर्सन। बोट देखिए कितनी फास्ट बोट चल रही है, कितनी तेज़ बोटिंग हो रही है। तो यहाँ पे गाइस खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। गुजराती फेमस डिश, नाम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में लिखे हैं, डोसा पिज़्ज़ा मंचूरियन ये सब। बहुत ही अच्छी हैपनिंग जगह है, मज़ा आ रहा है, हवा बहुत चल रही है, हुमस बिल्कुल नहीं है। तो गाइस अब यहाँ पे घूम लिए हैं हम, काकड़िया लेके आइए। लाइटनिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा हवा, ग्रीनरी देखिए कितनी साफ़ सफाई है, क्लीननेस। ज़रूर आइए अब यहाँ पर, रिकमेंडेड करता हूँ मैं आपको। और झूले बच्चों के हर चीज़ है। और सामने देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग हो रही है, चेंज होती रहती है लाइटिंग, बारिश आने वाली, इसलिए हम जा रहे हैं वडोदरा, जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, फिर हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो हमारी मेन चीज़। वहाँ देखिए झूले चल रहे हैं आगे, बहुत ख़तरनाक झूले, बोट चल रही है। तो गाइस इस ब्लॉग के लिए इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कुछ भी आए हो पसंद। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए कल से शुरू होगा नेक्स्ट व्लॉग। बाय।